देखिए, कल हमारी बातचीत हुई है, कल एक लंबी 5 घंटे की मीटिंग चली है। उस मीटिंग के अंदर कुछ बातें क्लियर हुई है, कुछ बातें क्लियर नहीं हुई है, तो इस वजह से हम पूर्णतः संतुष्ट नहीं है उनकी बातों पे। क्योंकि अभी तक हमारे को, पहली बात तो, ना तो कुछ रिटर्न में मिला है। जब तक रिटर्न में नहीं आ जाता, तब तक हम लोग स्ट्राइक को ऐसे खत्म करना नहीं सोच सकते। और सारी चीजें डिस्कस करी जा रही हैं अभी अभी, क्योंकि एकदम से इतने जल्दी इतना बड़ा डिसीजन नहीं लिया जा सकता। अभी सब कुछ डिसीजन, अब हम लोग सब डिस्कस कर रहे हैं, सारे चारों कॉलेजेस मिलकर के डिस्कशन कर रहे हैं कि आगे क्या हमारी रणनीति रहेगी और क्या हमारी मांगे होंगी, क्योंकि कुछ मांगे क्लियर नहीं है। एक्चुअली कुछ चीजों में बोला गया है कि 2021 और 22 बैचेस से, कि भाई इनके ऊपर ही ये जो चेंजेस अप्लाई किए जाएंगे, बाकी के जो बैचेस आने वाले हैं उनके ऊपर वो मनचाही बॉन्ड पॉलिसी लगाएंगे, जो कि गलत है। अगर उन्होंने दोबारा से कुछ ऐसी गलत चीजें लागू कर दी तो उसके लिए फिर से बैठना पड़ेगा। तो क्लियर होना चाहिए कि अगर एक बॉन्ड पॉलिसी लगा रहे हो तो सबके ऊपर लगाओ, पर आखिर कब तक आप ये लगाओगे? क्यों, ऐसा तो है नहीं कि अब आने के वाले 100 सालों तक जो चलता ही रहेगा ये सरकार का बॉन्ड कहना है पॉलिसी। कि एमबीबीएस करके एमबीबीएस हम करवाएंगे, स्टूडेंट डॉक्टर हम बनाएंगे, लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर जहाँ फॉरेन में चले जाएंगे, लेकिन देखिए, नौकरी नहीं फॉरेन मिलेगी। में तो कुछ नहीं, कुछ एक दो ही होते हैं जो फॉरेन में जाते हैं, अदरवाइज जो पैसे हैं ये सारे सरकार के पैसे नहीं है, ये पब्लिक के पैसे, आम जनता के पैसे हैं। और हम लोग आते हैं आम जनता के अंदर से ही निकल के, मेरिट हासिल करके। तो ये सरकार का दायित्व तो बनता है कि हमें पढ़ाया जाए, क्योंकि ये पैसा हेल्थ सेक्टर के को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। और तो और जैसे अब कहने, सरकार ने ये बोला है कि जो नए मेडिकल कॉलेज खुलने वाले हैं तो उसके लिए पैसे उनको चाहिए। उस चीज के लिए मैं सरकार को, उनको बता दूं कि WHO का क्राइटेरिया है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को फंडिंग करती है पर मेडिकल कॉलेज 200 करोड़ रुपीज। रणनीति हमारी यही रहेगी कि हम लोग बैठे हैं स्ट्राइक के ऊपर, और आगे मैंने अभी इसके अंदर बताया भी है कि आगे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, जब डिस्कस होगा तभी हम आगे देखेंगे, देखिएगा आप लोग। बाकी ये बात मैं कंप्लीट कर देता हूँ। नहीं, सरकारी डॉक्टर ऐसा तो कुछ नहीं है, ये किसान का लड़का है, मेरे पापा जॉब करते हैं और वो भी पब्लिक वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब करते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि हम, मैक्सिमम बच्चे डॉक्टर्स के हैं। डॉक्टर के जो बच्चे हैं ना वो प्राइवेट कॉलेजेस में जा रखे हैं, उनके पास है पैसे, और वो मेवा खाने की बात करते तो मेवा भी वही लोग खाते हैं जिनके ऊपर इनका हाथ होता है, जिनके ऊपर ये पॉलिटिकल्स, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का हाथ होता है, वही मेवा खा सकते हैं, और किसी की हिम्मत नहीं है मेवा खाने की। नहीं, उन्होंने बस अमाउंट कम किया है, 10 लाख 40 लाख का 30 लाख बना दिया। अब देखो 30 लाख भी ज्यादा मतलब कम नहीं होता, बहुत ही ज्यादा अमाउंट है 30 लाख भी, और 7 साल का 5 साल कर दिया है, ये हुआ है बस जी। नहीं, ऐसा नहीं है, कोई राजी नहीं, और रिटर्न में तो अभी तक कुछ आया ही नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात, उन्होंने मीटिंग में ये बोला था कि क्यों ना हम 20-21 से हटा दें और 22 पे लगा दें, 22 बैच से। फिर हमारे जो गए थे रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने मना कर दिया कि रूल होगा तो सब पे होगा। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है 20-21 22 पे कर देते हैं, लेकिन 23 पे तो हम लगाएंगे। ये कौन सी बात हुई? इसका मतलब तो ये है कि सरकार को बस पैसों से मतलब है, पैसे चाहिए। ये बैच नहीं तो अगला बैच दे देगा, वो नहीं तो वो दे देगा। सरकार अगर कुछ करना चाहती है तो ये है, हमारी यही मांग है कि 1 साल की कंपल्सरी रूरल सर्विस लगा दो, कंपल्सरी सर्विस लगा दो, पैसे का वही पैसे का बीच से हटा दो। पैसे का, अगर सरकार को पैसे से मतलब है तो ही वो बीच में पैसा और बैंक घुसा रही है ना, बैंक को हटाओ, पैसे पैसे को भी हटाओ, सीधी कंपलसरी रूल ही बना दो कि जो MBBS करेगा वो 1 साल सर्विस करेगा। अगर वो बैच 800 के करीब बच्चे आते हैं, एक बैच से 800 डॉक्टर मिलेंगे, वो बैच निकलेगा अगले 800 आ जाएंगे, उससे अगले 800 आ जाएंगे, ऐसे पूरी साइकिल भी बनी रहेगी और डॉक्टर्स की कमी भी नहीं होगी। बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, हड़ताल जारी रहेगी। देखिए, कल चंडीगढ़ में छात्रों का एक प्रतिनिधि मंडल और CM साहब से मिला, और घूम फिर के बात अगर मैं आपको कम शब्दों में बताना चाहूँ तो यही है कि अगर आप 40 लाख नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, हम आपके लिए थोड़ा कम कर देते हैं, आप प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, 30 लाख दे दीजिए। लेकिन हमारी मांग थी कि 1 साल की कंपलसरी रूरल पोस्टिंग, और ये मांग सिर्फ हमारी नहीं है, आपके माध्यम से मैं जनता को भी यही बताना चाहता हूँ। जब 2020 के अंदर सरकार
सरकार ये पॉलिसी सीएम पॉलिसी लेकर आए, उन्होंने जब अपने हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज के पास ये पॉलिसी भेजी तो उन्होंने भी ये पॉलिसी पढ़कर यही सजेशन दिया था कि इसकी बजाय इस पॉलिसी में बहुत सारी खामियां हैं और इतने नौकरियां सरकार के पास नहीं है कि वो 7,000 छात्रों को नौकरी दे सके, तो आप कंपलसरी रूरल पोस्टिंग ही रखिए। लेकिन सरकार ने उस बात को ना मानते हुए, उस बात के ऊपर विचार ना करते हुए अपना जो अड़ियल रवैया है वो अपनाते हुए ये पॉलिसी लगाई और आज भी वही विषय है कि आप रुपए दीजिए, देखिए हमें मेरिट से, छात्रों से या जनता के भलाई से हमें कोई लेना देना नहीं। रणनीति हमने वहाँ पे कहा है कि उन्होंने बहुत सारी जनता के सामने और प्रेस में और अंदर मीटिंग में भी बहुत सारे वायदे किए हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो हमने कहा है कि देखिए आपने जो भी बातें कही हैं आप उसको ड्राफ्ट में एक बार भिजवा दीजिए, आप ड्राफ्ट में लिखित में दीजिए ताकि हम उसके ऊपर भरोसा कर सकें, क्योंकि बयान देखिए कभी भी कोई भी दिया जाता है और जुमला कोई भी दिया जाता है लेकिन बाद में उसके ऊपर अलग ही निर्णय निकल कर आता है जब वो कागजी में आता है। तो हम मीटिंग में थे जी, हम तो क्या लगेगा आपको, लगता है कुछ हल है इसमें, आप संतुष्ट हैं कहीं? देखिए जो कल मांगे हुए उसमें संतुष्टि नहीं है, लेकिन फिर भी जब ड्राफ्ट में आएंगे तो हम अपने छात्रों के, क्योंकि अभियान सिर्फ मेरा नहीं अभियान सभी का है, छात्रों के साथ इस बारे में डिस्कस करेंगे और जो फैसला होगा उसके हिसाब से ही आगे की रणनीति। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, देखिए ये सरकार ने भी कल जब हम वहाँ पे प्रोटेस्ट में थे और सीएम साहब से मिले, उन्होंने भी पूरी कोशिश की स्टूडेंट्स को दो पार्ट में बांटने की, जैसे जो साल 2020 और 2021 के मुख्य तौर के ऊपर बच्चे यहाँ पे हड़ताल के ऊपर बैठे हैं उनसे कहा कि आपके ऊपर से पॉलिसी हटा लेते हैं बाकी बैचेस पे लगा देते हैं, महिलाओं के लिए अलग से, कैटेगरी वाइज अलग से, हर तरह से उन्होंने बांटने की कोशिश की, लेकिन छात्र एकजुट है, आज भी है, कल था और आगे भी रहेगा।